देखो कुछ खास बात होती है वो शहर जो समुंदर के किनारे बसे होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। अब क्या होता है कि जहाँ समुंदर होते हैं वहाँ पे कारोबार बहुत आता है। कारोबार आता है तो शहर व्यस्त हो जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, लोगों की रफ्तार बढ़ जाती है। और इसमें जब तुम देखते हो किसी इंसान को समुंदर के पास से गुजरते हुए, तो पल पल ऐसा होता है कि वो इंसान सब कुछ छोड़ के वहीं रुक जाता है समुंदर के किनारे, समुंदर देखते हुए। तो कहा है कि समुंदर के किनारे खड़ा ये लड़का समुंदर में क्या देखता है? कुछ भी तो नहीं है वहाँ, बस सन्नाटे हैं और हैं लहरों की टकराने की सर सर आवाज। न है ऐसा भी कि वहाँ हो कोई जो कर रहा हो इंतजार, न कोई है साथ में जो कह रहा हो चलने को उन सुनसान हवाओं के बीच, पानी पे लहरों पे। पीछे एक पूरा शहर बसा है, हर दो कदम पीछे मुड़ते ही कोई ना कोई मिल जाएगा इंतजार में, जिसे है किसी का भी इंतजार, जरूरी नहीं तुम ही सही। इंतजार में है वो ड्राइवर जो तैयार बैठा है पल में इस शहर के किसी भी कोने में ले जाने के लिए, पर समुंदर में नहीं। वह हजारों दुकानों के दुकानदार जिनके यहाँ दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, पर समुंदर का राज नहीं। हर इंसान में एक झलक मिल जाएगी, बस तुम नहीं, हर दो कदम पीछे मुड़ने के। क्या होगा अगर मैं बस यहीं खड़े रहूं? क्या होगा अगर मैं बस यहीं खड़े रहूं, ना आगे जाऊं ना पीछे मुड़ूं, सवालों के बीच मुंतजिर आशिक की तरह जिसे इश्क का मतलब नहीं पता। बन जाऊं वो गुमराह पत्थर जो रेत के साहिल में वक्त गुजरते गुजरते धीरे धीरे समुंदर में मिट्टी की तरह मिलता चला जाएगा। भूल जाऊं मैं इस दुनिया को, बन के रह जाऊं उस बच्चे की तरह जिसके जहन में माँ की याद नहीं। समुंदर के किनारे शहरों की रोशनी जिसके पीठ पे चुभ रही है, धीरे धीरे वो रोशनी इस रूह को समुंदर के अंधेरों से मिलाते मिटाते हुए, समुंदर के किनारे खड़ा ये लड़का समुंदर में क्या देखता है?